धन्यवादेशु 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 अस्तुतियो 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 महिमा हो यीशु महिमा हो यीशु महिमा हो यीशु तारीफ करते हैं लॉर्ड जीसस अस्तुतियो 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 सच्चाई से प्रशंसा करते हैं खुदा। हे नास्त्री आपके नाम को आदर देते हैं आपका सम्मान करते हैं। धन्यवाद प्रभु परमेश्वर एक बार फिर से आपकी हजूरी में आते हैं एक बार फिर से आप नए दिन हमें दिखाए हैं नए सूरज हमारे जीवन में उदय किए हैं। होने दीजिए प्रभु जी हे पिता नई नई आशीष इस नए दिन में हमें दीजिए नई नई प्रभु जी मार्गों को हमारे लिए खोलिए उसमें स्थिर करके हमें सफलता दीजिए। अनुग्रहकारी खुदा आपकी स्तुति हो 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 लॉर्ड जीसस। अनुग्रहकारी खुदा अनुग्रहकारी खुदा अनुग्रहकारी खुदा दयालु कृपयालु खुदा सहायता कर सहायता कर सहायता कर सहायता कर। आज की भोर में आपका बाट जोहते हैं सहायता कर प्रभु जी मदद कर प्रभु जी हमारा बल बन हमारा शक्ति सामर्थ बन प्रभु जी हमारा ताकत बन हम उकाबों के नहीं उड़े कभी थके नहीं श्रमित ना होके आगे बढ़ाइए प्रभु जी अच्छे भले कामों में वचन में हमें दृढ़ कीजिए। शरीर प्राण आत्मा को प्रभु चंगाई दे छुटकारा दे प्रभु सेफ और सुरक्षित रख हाँ शरीर प्राण आत्मा को सेफ और सुरक्षित रख हड्डी हड्डी का देखभाल कर नस मांस का ख्याल रख। अस्तुतियों पिता सहायता कीजिए सहायता कीजिए सहायता कीजिए सहायता कीजिए प्रभु जी। आज के दिन की शुरुआत आपके मीठा मनोहर अद्भुत अनोखा चमत्कारी मंगल यीशु नाम से करते हैं ताकि आज का दिन हमारे लिए सेफ और सुरक्षा का दिन हो। हाँ प्रभु जी सहायता कीजिए आज का दिन हमारे लिए हाँ आज का दिन हमारे लिए प्रभु जी कुशलता का दिन हो चंगाई छुटकारा आशीष का दिन हो स्वर्गीय पिता खुशी हर्ष उमंग का दिन हो सफलता आत्मिक उन्नति का भी दिन हो। सहायता कीजिए सहायता कीजिए सहायता कीजिए आज का पूरा दिन प्रभु आप हमारे निकट रहे हमारा ख्याल रखे हमारा देखभाल करे और समय समय पर हमें हमारी जरूरत आवश्यकता की चीज़ें बहुत दायित्व से दे इसके लिए आपके सामने घुटना टेके आपके आगे अपने हाथों को फैलाएं नर्म दिन होकर के आपसे दुआ प्रार्थना कर रहे हैं। हे प्रभु सुनिए और उतर दीजिए सच में आज का पूरा दिन प्रभु जी हमारे निकट रहिए हमारे करीब रहिए नज़दीक पास समीप रहिए खतरा दुर्घटना एक्सीडेंट से बचाइए दुष्ट कुरन मनुष्य से दुष्ट शैतान से बचाइए प्रभु फालतू सोच चिंता टेंशन डिप्रेशन गरीबी घटी से प्रभु जी छुटकारा दीजिए प्रभु जी सारे बेकुलता बेचैनी घबराहट से प्रभु छुटकारा दे। अस्तुति हो पिता हे आशीषों के पिता आज हमें विशेष अनुग्रह महिमा दे। हे ज्योतियों के पिता अपनी ज्योति में चला हे कृपयालु दयालु प्रभु जी हम पर दया कर तरस खा हमें आगे बढ़ा। धन्यवाद यीशु अनुग्रह कीजिए अनुग्रह कीजिए अनुग्रह कीजिए। मेरे प्रियो विश्वास कीजिए जो कुछ के लिए विश्वास कीजिए कीजिएगा हाँ जो कुछ के लिए आप पे प्रभु यीशु मसीह पर विश्वास कीजिएगा प्रभु वो करेगा वो सभी चीज़ें आपको देगा। हालेलुया प्रभु की स्तुति हो परमेश्वर का धन्यवाद हो। क्या होता है लिखा है मरकुस 2:1 को पढ़ेंगे तो इसमें लिखा है एक लकवे के रोगी को
कुछ लोग प्रभु के पास लाए। प्रभु बहुत ही भीड़ में था, उपदेश दे रहा था, प्रभु के निकट जाने लायक नहीं था, प्रभु बहुत ही भीड़ में था। तो लोग क्या किए, जिस छत के नीचे प्रभु उपदेश दे रहा था उस छत को क्या किए, हटा दिए और ऊपर से उस लकवे के रोगी को प्रभु के पास लटका दिए। प्रभु उनके विश्वास को देख करके उस लकवे के रोगी को छुआ और वो चंगा हो गया। विश्वास के पास प्रभु में आए हैं, जो कुछ के लिए आए हैं आपको मिलेगा, विश्वास कीजिए। हालेलुया। धीरज धरिए, थोड़ा धीरज धरिए, प्रभु धीरज को भी परखता है, देखता है। हालेलुया। प्रभु की स्तुति हो। घबराना नहीं है, व्याकुल नहीं होना है, बेचैन नहीं होना है। प्रभु जानता है आपको क्या देना है, वो देगा। प्रभु में बने रहिए। हालेलुया। प्रभु की स्तुति हो। परमेश्वर का धन्यवाद हो। ये लोग कितना मेहनत किए। हालेलुया। प्रभु की स्तुति हो। लकवे के रोगी को कुछ लोग प्रभु के पास, प्रभु के निकट लाना चाहें। प्रभु बहुत भीड़ में था, निकट नहीं ला सके, प्रभु के पास नहीं आ सके। क्या सोचे, छत को हटाना, और उसने हटाया। उन लोगों ने छत को हटाया और प्रभु के पास से क्या किए, लकवे के रोगी को लटका दिए। प्रभु उनके विश्वास मेहनत को देख करके बहुत ही खुश और आनंदित हुआ। और लिखा है कि उसने लकवे के रोगी को छुआ और वो रोगी चंगा हो गया, अपने बीमारी से स्वतंत्र हो गया, आज़ाद हो गया, मुक्त हो गया, छुटकारा पा लिया। हालेलुया। प्रभु की स्तुति हो। प्रभु में धीरज धरिए। आपके धीरज को देख करके प्रभु में आगे बढ़िए। आपकी मेहनत को देख करके विश्वास के साथ प्रभु में बने रहिए। आपके विश्वास को देख करके प्रभु आपके जीवन में काम करेगा, आपके जीवन में चमत्कार करेगा, वो चीज़ें आपको देगा जिन चीज़ों के लिए आप प्रभु में आए हैं, धीरज धरे हैं, मेहनत कर रहे हैं, आगे बढ़ रहे हैं, विश्वास किए हैं। हालेलुया। प्रभु की स्तुति हो। परमेश्वर का धन्यवाद हो। प्रभु के पास बहुत से लोग आए, प्रभु बहुतों को बहुत कुछ दिया, जो कुछ के लिए जो कोई आया प्रभु ने दिया। हालेलुया। प्रभु की स्तुति हो। आप भी आए हैं, आपको भी मिलेगा। जॉब चाहिए, नौकरी चाहिए, प्रभु देगा। संतान चाहिए, देगा। घर चाहिए, जमीन चाहिए, आप चाहते हैं कि आपका छत हो, प्रभु देगा, आपका छत होगा। रोटी चाहिए, वस्त्र चाहिए, प्रभु देगा। आपके जीवन की सारी ज़रूरतें, आवश्यकताओं को प्रभु अद्भुत रीति से पूरा करेगा। धीरज धरिए। हालेलुया। प्रभु की स्तुति हो। जिसको तुरंत मिल जाता है, प्रभु में आते हैं मिल जाता है, वो लोग टिकते नहीं हैं, प्रभु को भूल जाते हैं, प्रभु को छोड़ देते हैं। जिनको धीरे धीरे प्रभु का अनुग्रह मिलता है, वो लोग प्रभु में मजबूत होते हैं, नया नया काम अपने जीवन में देखते हैं, नई नई अनुग्रह प्रभु की ओर से पाते हैं। विलम्ब हो रहा है, प्रभु आपसे प्यार करता है, वो चाहता है कि आप प्रभु से लिपटे रहे, शुरू से अंत तक प्रभु में, हाँ प्रभु में बने रहे। हालेलुया। प्रभु की स्तुति हो। परमेश्वर का धन्यवाद हो। धन्यवाद यीशु। आपकी स्तुति हो, आपकी स्तुति हो, आपकी स्तुति हो, आपकी स्तुति हो। आपकी महिमा हो प्रभु परमेश्वर। आपकी तारीफ करते हैं नासरी। सहायता कीजिए, मदद कीजिए प्रभु यीशु मसीह। धन्यवाद यीशु, धन्यवाद यीशु, धन्यवाद यीशु, धन्यवाद यीशु। सबों के इच्छाओं को पूरा कर प्रभु, सबों के मनोरथों को पूरा कर प्रभु जी। सबों के जीवन में काम कर, जो कोई जो कुछ के लिए प्रभु आपके प्रेम में है, आप में धीरज धरे हैं प्रभु जी, वो सभी चीज़ें उन्हें दे। स्तुति हो पिता। जिनको जॉब चाहिए दीजिए, जो बेरोजगार है रोजगार ढूंढ रहे हैं, काम ढूंढ रहे हैं, नहीं मिलता, मिलने पाए उनको रोजगार मिलने पाए, काम मिलने पाए। जो संतान प्राप्ति के लिए आपसे दुआ करते हैं, संतान दीजिए प्रभु जी। जिनको घर चाहिए, जमीन चाहिए, जिनके
छत नहीं है प्रभु, वो चाहते हैं कि उनका छत हो प्रभु जी, उनको घर जमीन और वो सभी चीज़ें दीजिए जो कुछ उन लोगों के पास नहीं है, और अनुग्रह कर छत को बना। आपकी स्तुति करते हैं प्रभु जी, अच्छे वस्त्र सबों को दे प्रभु जी। मेरे प्रिय, वस्त्र के लिए चिंता नहीं करना है, हाँ कपड़ा के लिए चिंता नहीं करना है, खाने की पीने की और पहनने की चिंता अन्य जाति लोग करते हैं, जो प्रभु में है जो प्रभु के हैं वो लोग चिंता नहीं करते। प्रभु उन लोगों से कहता है, सुनो मुझे पता है कि इन सबों की ज़रूरत तुम्हें है और मैं तुम्हें दूंगा, इसकी चिंता मत करो, खाने की पीने की पहनने की चिंता मत करो, मेरे राज और धन की खोज करो, ये सारी वस्तुएं तुम्हें मिल जाएगी। हालेलुया, प्रभु बोले हैं कि ऐसा वस्त्र तुम्हें मैं पहनाऊंगा, ऐसा कपड़ा पहनाऊंगा कि राजा सुलेमान भी अपने सारे वैभव में नहीं पहना होगा। हालेलुया, प्रभु की स्तुति हो, परमेश्वर का धन्यवाद हो। प्रभु में बने रहिए, उत्तम उत्तम चीज़ें प्रभु आपको देगा, उत्तम उत्तम फल आपको खिलाएगा, सूखे के नदी में से जल आपको पिलाएगा, वस्त्र ऐसा पहनाएगा कि राजा सुलेमान भी अपने सारे वैभव में नहीं पहना होगा। हालेलुया, प्रभु की स्तुति हो, परमेश्वर का धन्यवाद हो। धन्यवाद यीशु, आपकी स्तुति हो, आपकी महिमा हो लॉर्ड यीशु, तारीफ करते हैं प्रभु जी, महिमा प्रशंसा करते हैं यीशु जी, सहायता की से प्रभु जीवन दीजिए, बीमारों को छूए प्रभु चंगा की से, धन्यवाद देते हैं गरीब को प्रभु जी, धन की ज़रूरत है धन की आशीष दीजिए, गरीबी से स्वतंत्र कर खुदा, आपकी स्तुति करते हैं, आपकी महिमा करते हैं, आपकी तारीफ करते हैं प्रभु, धन्यवाद देते हैं। मेरे प्रिय, पत्रस के कलेसिया में कोई गरीब नहीं था, कोई दरिद्र नहीं था, क्यों? क्योंकि वो लोग अपनी मुट्ठी को प्रभु के नाम की महिमा के लिए खोलते थे, सबों का धन संपत्ति साझे में था। जिनके पास धन नहीं होता था वो लोग अपने जमीन भूमि को बेच बेच करके प्रभु को भेंट देते थे। हालेलुया, प्रभु की स्तुति हो, और प्रभु का अनुग्रह उनके ऊपर बना रहता था, किसी भी चीज़ की बात की भली वस्तु की कमी घटी प्रभु उनके जीवन में नहीं होने देते थे, सब कुछ भरपूरी से उन्हें देते थे। हालेलुया, प्रभु की स्तुति हो। गरीबी आपके जीवन में नहीं रहेगा, दरिद्रता आपके जीवन में नहीं रहेगा, किसी प्रकार की कमी घटी आपके जीवन में नहीं रहेगा, आपके पास जो है क्या करना है, प्रभु के नाम की महिमा के लिए प्रभु को देना है, प्रभु को दीजिएगा आपको मिलेगा। हालेलुया, प्रभु की स्तुति हो। अपने कमाई में से अपनी मुट्ठियों को खोलिएगा, आपके कमाई में आशीष मिलेगा, बिजनेस जो में रोजी रोटी में आमदनी में खेती बार व्यापार आप जो कुछ का कारोबार करते उसमें से प्रभु को देंगे, उसमें प्रभु आपको देगा, आशीषें देगा। आप प्रभु को एक देते हैं, प्रभु आपको दस देने की क्षमता रखता है, सामर्थ रखता है। हालेलुया, प्रभु की स्तुति हो। एक विधवा अपनी पूरी जीविका प्रभु को दे दी। हालेलुया, प्रभु की स्तुति हो, प्रभु उसको बहुत ब्लेस किए। हालेलुया, प्रभु की स्तुति हो। बहुतों ने बहुत कुछ दिया था लेकिन अपने बढ़ोतरी में से दिया था। हालेलुया, प्रभु की स्तुति हो। यही कारण है मेरे प्रियो कि गरीब लोग प्रभु में धनी होते हैं और धनी लोग क्या होते हैं, पीछे की ओर जाने लगते हैं। हालेलुया, प्रभु की स्तुति, परमेश्वर का धन्यवाद हो। जो जितना प्रभु से प्रेम करेगा वो उतना प्रभु के काम को देखेगा, जो जितना प्रभु के लिए अपनी मुट्ठी को खोलेगा वो उतना, हाँ वो उतना प्रभु की ओर से पाएगा। हालेलुया, प्रभु की स्तुति हो, परमेश्वर का धन्यवाद हो। धन्यवाद यीशु, आपकी स्तुति हो, आपकी स्तुति हो, आपकी स्तुति हो, आपकी स्तुति हो, महिमा हो प्रभु जी, तारीफ करते हैं प्रभु। अनुग्रह कीजिए, अनुग्रह कीजिए, अनुग्रह कीजिए, अनुग्रह कीजिए, अनुग्रह कीजिए, दया कृपा कीजिए, प्रभुता कीजिए, करुणा कीजिए, तरस खाइए, सुधे लीजिए लॉर्ड जीसस। स्तुति हो पिता, अनुग्रह दया और कृपा करते यीशु, प्रभुता करुणा करते यीशु, तरस खा प्रभु, धन्यवाद देते हैं सुधे ले, धन्यवाद देते हैं जिसको जो कुछ की जरूरत हो पूरा कर, जिसको जो कुछ की आवश्यकता हो पूरा कर, सबों को सब प्रकार की आशीषें दे, हर एक को हर एक तरह से सहायता मदद गाइड
कर प्रभु, सब आगे बढ़े अनुग्रह कर। धन्यवाद यीशु आपकी महानता के लिए प्रभु, आप जो महान हमारे जीवन में काम किए हैं उस महान काम के लिए प्रभु आपका धन्यवाद हो। आपके प्यार और प्रेम के लिए प्रभु जी, हाँ असीम प्यार दुलार के लिए, आशीर्वाद के लिए आपको धन्यवाद देते हैं। आपकी स्तुति महिमा प्रशंसा करते हैं। अनुग्रह कीजिए प्रभु, दया कीजिए प्रभु जी, जैसे आपने प्रभु लकवे की बीमारी को चंगा किया। हालेलुया, जो कोई उसको लाया था उनके विश्वास को देखे करके, मेहनत को देखे करके आपने प्रभु उनको खुश कर दिया। हे प्रभु, इस भाई को भी, इस बहन को भी प्रभु जी खुशियाँ दें। जो कुछ के लिए आए हैं वो चीज़ें इन्हें दें, इन्हें प्राप्त होने पाए। अनुग्रह कर प्रभु जी, अनुग्रह कर, दया कर, खुदा धन्यवाद देते हैं। आपकी स्तुति हो प्रभु, आशीष दीजिए, चंगाई छुटकारा दीजिए प्रभु, जिनको जो कुछ की ज़रूरत हो प्रभु दीजिए। आप महान हैं पिता, आपकी महानता के लिए धन्यवाद देते हैं यीशु। आपकी स्तुति महिमा प्रशंसा करते हैं, तारीफ करते हैं प्रभु जी। अनुग्रह कीजिए कमेंट के माध्यम से जो लोग अपनी प्रार्थना निवेदन, अपनी प्रार्थना विषय हमें दिए हैं, सबों के दिए हुए भेजे हुए प्रार्थना निवेदन, प्रार्थना विषय के ऊपर आप दृष्टि कीजिए और उत्तर प्रभु जी सबों को हाँ आमीन में दीजिए, ताकि सबों का विश्वास आप पर अटल बना रहे। प्रभु बहुत धन्यवाद देंगे, सहायता कीजिए प्रभु जी। आपकी स्तुति करते हैं प्रभु जी, सब कुछ ठीक कर दीजिए यीशु, धन्यवाद देते हैं यीशु जी, धन्यवाद करते हैं प्रभु 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 जी। अस्तुति हो, अस्तुति हो, अस्तुति हो, अस्तुति हो पिता, महिमा प्रशंसा हो पिता, धन्यवाद हो। अनुग्रह कीजिए, आपकी स्तुति करते हैं। सबों के लिए मार्ग खोलिए, सबों के आशाओं को पूरा कीजिए, विश्वास भरोसा को बनाए रखिए। सबों को सब कुछ दीजिए प्रभु, अपनी ओर से प्रभु आशीष दीजिए, बरकत दीजिए, बचाओ सुरक्षा दीजिए। आपकी स्तुति हो प्रभु, सबसे पर सुरक्षित रहे इसके लिए प्रभु, सबों को अपने पनाह में, छत्र छाया में रखिए। धन्यवाद देते इमानुएल, आपकी स्तुति करते हमारे संग संग रहने वाले खुदा, निकट करीब रहने वाले प्रभु धन्यवाद करते हैं। हे नासरी, सहायता कर, सहायता कर, सहायता कर, अनुग्रह कर। गड्ढे में से प्रभु जी, बंद गृह में से प्रभु जी, चिंता टेंशन डिप्रेशन तनाव में से प्रभु यीशु मसीह अब हमें बाहर निकाल। प्रभु आज का दिन प्रभु जी छुटकारे का दिन हो प्रभु, आज़ादी का, स्वतंत्रता का दिन हो, मुक्ति का दिन हो प्रभु। सहायता कीजिए, अनुग्रह कीजिए प्रभु, अनुग्रह कीजिए प्रभु, अनुग्रह कीजिए प्रभु, सहायता कीजिए खुदा, मदद कीजिए यीशु जी। धन्यवाद देते हैं प्रभु जी, अनुग्रह कीजिए, अनुग्रह कीजिए, अनुग्रह कीजिए, अनुग्रह कीजिए, दया कृपा प्रभुता करुणा कर दीजिए प्रभु जी। धन्यवाद यीशु, हे तरस खाने वाले प्रभु यीशु मसीह, प्रभुता करने वाले, हमारे दुखों में, बीमारी में हमारी शुद्धि लेने वाले प्रभु यीशु मसीह, आपकी स्तुति करते हैं। सहायता कर पिता, सहायता कर पिता, सहायता कर पिता, हे यीशु सहायता कर। धन्यवाद देते, तूने सहायता किया, तूने हमारी सुना प्रभु, सब कुछ ठीक किया, सब कुछ बनाया, सब कुछ बदला, चेंज किया प्रभु जी, सब सही किया प्रभु। आपकी स्तुति करते, रोग बीमारी शैतान से, सारे डिप्रेशन तनाव चिंता फालतू सोच से टेंशन से प्रभु जी तूने, हाँ श्रापों से प्रभु, शैतान के बंधन से प्रभु जी, रोग बीमारी से प्रभु तूने छुटकारा दिया, अंधकार की शक्तियों से प्रभु जी, तंत्र मंत्र जादू टोना पूरी नजरों से तूने मुक्ति किया प्रभु। लाखों लाख कोटि कोटि तुझे धन्यवाद देते हैं, प्रार्थना विनती आपके उद्धारकर्ता नामों में मांगते हैं और कहते हैं आमीन 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 लॉर्ड जीसस आमीन। हालेलुया, प्रभु की स्तुति हो मेरे प्रियो। रोज डेली प्रतिदिन सुबह 4 बजे और शाम 4 बजे प्रार्थना को रिसीव कीजिए, जितना ज़्यादा हो सके शेयर भी करना, प्रभु बहुत ब्लेस करेगा, बहुत आशीषित करेगा आपके जीवन में, अपने काम को प्रकट करेगा। आज शाम 4 बजे के प्रार्थना और वचन में
जरूर शामिल होइए। अगर आप प्रभु के काम को, प्रभु के अनुग्रह को, प्रभु के महिमा को, प्रभु के आशीष को, प्रभु के बरकत को, प्रभु के शांति को, प्रभु के आनंद को अपने जीवन में पाना चाहते हैं तो प्रभु के साथ अपने संगति को बनाए रखिए, यानी कि प्रार्थना करते रहिए, प्रभु के वचनों पर मनन करते रहिए। हम मनन करते रहिए, हालेलुया, प्रभु की स्तुति हो। आज शाम 4 बजे की प्रार्थना और वचन में जरूर शामिल होइए। अगर आपका कोई प्रार्थना निवेदन है, प्रार्थना विषय है, तो कमेंट के माध्यम से आप हमें दे सकते हैं, उसका उत्तर आपको मिलेगा, क्योंकि हम आपके कमेंटों को देख करके प्रभु से दुआ करते हैं। प्रभु में धीरज धरिए, हाँ धीरज धरिए, प्रभु सब कुछ ठीक करेगा, सब कुछ आपको देगा, जो कुछ के लिए आप बहुत वर्षों से दुआ कर रहे हैं प्रभु आपके दुआओं को जरूर कबूल करके उसका उत्तर आपको देगा। प्रभु आपको ब्लेस करे, गॉड ब्लेस यू, प्रेज द लॉर्ड। आप सबको प्रभु के मीठे और मधुर नाम में जय मसीह।